नमस्कार दोस्तों, एसएससी हमारे सामने लगातार एक चैलेंज खड़ा करता रहा है और उस चैलेंज का जवाब हम देते रहे हैं अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई से। जी हाँ, हिस्ट्री में साउथ इंडिया का इतिहास थोड़ा सा टिपिकल है, पढ़ना पढ़ाना दोनों कठिन होता है, लेकिन अगर चुनौतियां बड़ी हैं और मेहनत भी उतनी ईमानदारी से की जाए तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको साउथ इंडिया में प्रॉपर गाइड किया है और साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा अभी छूटा हुआ है, तो उसी वीडियो को लगातार कंटिन्यू करते हैं। हम लोग चलते हैं साउथ इंडिया के उस हिस्से पर डिस्कस करते हैं जो अभी हम लोगों को और आगे कवर करना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे चेर साम्राज्य से। कौन से साम्राज्य से? चेर वंश। जी हाँ, चेर साम्राज्य या चेर वंश आप इसे कहिए। तो ये भारत का मैप है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर चेर साम्राज्य इस भारत के नक्शे में है कहां। तो चेर साम्राज्य की स्थिति देखें तो चेर साम्राज्य भारत के नक्शे में यहां पर, इतना बड़ा साम्राज्य दक्षिण भारत में ये चेरों के अधीन रहा है। तो अब इस हिस्से में आप देख सकते हैं कौन सा हिस्सा आएगा, केरल का लगभग मध्य भाग, यहां पर चेर साम्राज्य का विस्तार कहां नजर आ रहा है आपको, चेर साम्राज्य का विस्तार आपको केरल में दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, और साथ साथ इसका कुछ हिस्सा कहां पर नजर आ रहा है, केरल के साथ साथ ये तमिलनाडु में नजर आ रहा है। तो केरल और तमिलनाडु ये दो राज्य हैं जहां पर केरल का मैक्सिमम जो है क्षेत्र यहां पर कवर करता है। तो केरल के उत्तरी क्षेत्र में जो है यहां पे क्या कौन सा क्षेत्र होगा, नॉर्थ, और तमिलनाडु का एक कोंगु क्षेत्र है। तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र होगा, तमिलनाडु का कोंगु क्षेत्र, इस कोंगु क्षेत्र में इन चेरों का नियंत्रण था। तो एक यहां से कुछ प्रश्न लगातार और कॉमन बने हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न बन जाता है कि चेर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो सबसे पहला प्रश्न यहां से इसका फाउंडर कौन है, सीधा सीधा अटैक करते हैं। तो इसका फाउंडर है उदयन चेरालथन। कौन है? उदयन चेरालथन, उदयन चेरालथन, उदयन चेरालथन इसका जो है फाउंडर है। अब ये साम्राज्य था कैसा, इस साम्राज्य से अगला जो प्रश्न बन सकता है कि इस साम्राज्य का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, अगला प्रश्न बना हुआ है। तो इस साम्राज्य का जो प्रतीक है ये आपके एसएससी द्वारा पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इस साम्राज्य का प्रतीक रहा है दोस्त धनुष, धनुष के साथ साथ, धनुष के साथ साथ तीर भी इस साम्राज्य का प्रतीक रहा है, और इस साम्राज्य के इस प्रतीक के आधार पर ही साम्राज्य के आगे की स्थितियां निर्धारित होती है। ठीक है, तो जिस चेर साम्राज्य की बात कर रहे हैं, इस चेर साम्राज्य के बारे में जो मैक्सिमम हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है पहली शताब्दी ईस्वी के पुगलूर शिलालेख से। तो इसका जो स्रोत है, जो सबसे प्रमुख स्रोत है, ये भी आपसे पूछा जाता है, वो स्रोत कौन सा है, स्रोत है पहली शताब्दी ईस्वी का पुगलूर शिलालेख। कौन सा? पुगलूर शिलालेख, पुगलूर शिलालेख से इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो पुगलूर शिलालेख कब का है, 1st सेंचुरी का है। ठीक है, यहां के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जो है हमें जाननी चाहिए कि इनकी राजधानी कहां थी, इनकी राजधानी थी वांची। इनकी राजधानी कहां पे थी, शेरों ने अपनी राजधानी कहां पर बना रखी थी, राजधानी इन्होंने अपनी बना रखी थी वांची। कहां पर? वांची, जो कि तमिलनाडु का क्षेत्र है, और इसका जो विस्तार आपको पश्चिमी तट पे नजर आ रहा है, ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है पश्चिमी तट, किसी तटीय क्षेत्र में रहने का जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है वो यहां पर बंदरगाह। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बने हैं कि चेर साम्राज्य में कौन कौन से बंदरगाह हैं, कौन कौन से बंदरगाह हैं। यहां के शासकों से सवाल नहीं बनते दोस्त, तो इसे बोझिल नहीं बनाना है, प्रेशर नहीं बनाना है। ठीक है, यहां एक दो शासक हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, जो सबसे प्रसिद्ध शासक है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन यहां के बंदरगाहों से सवाल बनते हैं कि पश्चिमी तट पर, ठीक है, इनका बंदरगाह भी है और इनका इनकी राजधानी भी है। तो यहां पर जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है वो है मुसरी और टोंडी। कौन कौन सी बंदरगाह यहां पर? दो हैं, एक है मुसरी बंदरगाह और दूसरा है टोंडी बंदरगाह। तो मुसरी और टोंडी बंदरगाह ये तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र में है, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र में, किस साम्राज्य में, चेर साम्राज्य में। ठीक है,
तो बेसिकली इस बंदरगाह का उपयोग ये किस लिए करते थे? तो इस बंदरगाह का उपयोग इन्होंने किया है व्यापार में। किसके साथ ये व्यापार करते थे? तो ये व्यापार करते थे, बंदरगाह का उपयोग ये व्यापार में करते थे, और इनका व्यापार होता था रोमन साम्राज्य से। किससे? रोमन साम्राज्य के साथ इनका व्यापार लगातार होता रहा, ठीक है। और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होने के कारण इसकी महत्ता भी ऑटोमेटिकली बढ़ती रही, ठीक है। उन्होंने वहां यहां पर एक मंदिर बनवाया था, उन्होंने वहां पर अगस्टन का एक मंदिर बनवाया। तो अगस्टन का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? अगस्टन का मंदिर, अगस्टन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? चेरों के द्वारा। अगस्टन मंदिर का निर्माण रोमन कल्चर में जो है चेरों के द्वारा बनवाया गया है। चेरों का सबसे प्रभावशाली शासक कौन है? तो चेरों का सबसे प्रभावशाली शासक है सेन गुट्टुवन, ठीक है। सबसे प्रभावी शासक इसका है सेन गुट्टुवन। नोट कर लीजिए, सेन गुट्टुवन इसका जो है सबसे फेमस शासक है। इसे कुछ और नाम भी दिया गया है इतिहास में, इसे लाल चेर भी कहते थे या अच्छा चेर भी कहा गया है। इसी सेन गुट्टुवन को लाल चेर भी कहा गया है या इसी को अच्छा चेर भी कहते थे, अच्छा चेर, ठीक है, लाल चेर या अच्छा चेर। तो ये फेमस क्यों है? इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। इसकी सैन्य उपलब्धियों का वर्णन महाकाव्य में है शिल्पादिक्राम, ठीक है। तो सैन्य उपलब्धि इसकी किस काव्य में है? इस चेर साम्राज्य का जो काव्य सबसे प्रसिद्ध है वो है शिल्पादिक्राम। शिल्पादिक्राम तमिल साहित्य है ये, और इसमें तीन महाजनपदों का वर्णन है, ये नोट करिएगा। तो इसकी इनकी सैन्य उपलब्धियों का वर्णन इस महाकाव्य में मिलता है। इसमें हिमालय के उनके अभियान का भी विवरण है। ऐसा माना जाता है कि यहां से चेरों ने हिमालय तक अभियान किया है, शिल्पादिक्राम की बात अगर माने तो, ठीक है। और उन्होंने कई उत्तर भारतीय शासकों को हराया। किसने? सेन गुट्टुवन साहब ने, लाल चेर या अच्छा चेर ने। तो सेन गुट्टुवन ने तमिलनाडु के पट्टनी ग्रंथ या कनंगी को की आदर्श पत्नी के रूप में पूजा की शुरुआत की। तो यहां पर तमिलनाडु में पट्टनी पंथ या कनंगी की जो शुरुआत होती है वो सेन गुट्टुवन द्वारा की जाती है। इन्होंने किसकी शुरुआत की है? इन्होंने शुरुआत की है पट्टिनी पंथ की। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पट्टिनी पंथ की शुरुआत किसने की? तो पट्टिनी पंथ की शुरुआत या कनंगी की पूजा की शुरुआत, ठीक है, कनंगी जो है इनके आदर्श पत्नी की पूजा होती है वहां पे। और ये पहला शासक है कहां का? चेर साम्राज्य का, जिसने चीन में दूतावास खोला था। तो सेन गुट्टुवन का जो सबसे बड़ा कार्य है वो है चीन में दूतावास। इसने चीन में क्या किया है? चीन में दूतावास खोला है। अगर आपने इतना चेर साम्राज्य से पढ़ रखा है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देता हूं। चेर साम्राज्य संस्थापक कौन है? उदयन चेरावल। इस चेर साम्राज्य का विस्तार केरल और तमिलनाडु में है। राजधानी इनकी दोस्त वांची है, और यहां पर दो बंदरगाह हैं जो इनके व्यापार को बढ़ावा देते हैं, वो है मुसिरी बंदरगाह और टोंडी बंदरगाह। व्यापार इनका होता था रोमन साम्राज्य से, और वहां पर इन्होंने अगस्टन मंदिर का निर्माण करवाया है। और इनका इनके इनके इतिहास की मैक्सिमम जानकारी हमें काव्य, जिस काव्य से मिलती है उसका नाम है शिल्पादिक्राम। और इनका सबसे प्रभावी शासक कौन है? इनका सबसे प्रभावी शासक है सेन गुट्टुवन, जिसने चीन में दूतावास खोले। इसे लाल चेर या अच्छा चेर भी कहा जाता है। और इनके इतिहास को अगर और व्यापक तरीके से जानना है तो इसे आप पुंगलूर शिलालेख से जान सकते हैं। तो चेर साम्राज्य से ये इतने सवालों में से कोई एक सवाल आपके परीक्षा का हिस्सा बन सकता है। इतना तैयार करके जाइए, जीत के आइए बाजी। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। आज चर्चा करेंगे राष्ट्रकूट राजवंश पे, ठीक है। राष्ट्रकूटों से भी सवाल लगातार बने हुए हैं। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो क्षेत्र है, सबसे पहले तो वो देखना है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का क्षेत्र कहां है। राष्ट्रकूट साम्राज्य, अब चर्चा हमारी होगी किसकी? अब हमारी चर्चा होगी राष्ट्रकूट साम्राज्य की। जी हां, राष्ट्रकूट साम्राज्य अगर देखें तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का क्षेत्र ये है, ठीक। यहां कौन सा क्षेत्र कवर हो गया? थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का, थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र का, और थोड़ा सा हिस्सा कर्नाटक का।
अब प्रश्न है कि राष्ट्रकूट राजवंश कब शासन करता है। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य ने 10वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक दक्कन पर प्रभुत्व जमाया। तो राष्ट्रकूट कौन से क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं? दक्कन क्षेत्र पर इनका प्रभुत्व रहा है। कौन सा क्षेत्र? दक्कन। दक्कन में थोड़ा सा हिस्सा कर्नाटक भी शामिल है, महाराष्ट्र लगभग पूरा पूरा शामिल है, और गुजरात तक इनकी सीमाएं आराम से पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग समय में शासन करते हैं। अब मुद्दा है कि कब से? 10वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक दक्कन क्षेत्र में 200 वर्ष तक शासन किया, 10वीं सदी के अंत तक, 10वीं सदी के अंत तक इन्होंने शासन किया था। प्रश्न दूसरा यहां से बनेगा कि इसका संस्थापक कौन है, इस राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर कौन है? अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका संस्थापक दोस्त है दंती दुर्ग। ठीक है, इसका संस्थापक है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इसका फाउंडर है जो इस साम्राज्य की नींव रखता है। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? राजधानी भी पूछा जाता है। तो इसने अपनी राजधानी बनाई थी मान्यखेत। कहां पर राजधानी बनाई इसने? मान्यखेत। ठीक है, मान्यखेत को और भी नाम दिए गए हैं इतिहास में, याद रखिएगा। मान्यखोत खेत को आज आप देखें तो सोलापुर कहा जाता है। मान्यखेत आज कौन सी जगह है? मान्यखेत आज है सोलापुर। ठीक है, सोलापुर मतलब महाराष्ट्र वाला हवाई सोलापुर। सोलापुर की चप्पल जूते फेमस है ना, उसे मालखेत भी कहा गया है। ठीक है, सोलापुर के पास मालखेत जगह है। तो दंती दुर्ग ने अपनी सत्ता को स्थापित करने, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दंती दुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची पर हमला किया। तो सबसे बड़ी उपलब्धि दंती दुर्ग की ये रही कि पल्लव राजवंश पर हमला करता है, पल्लव राज पर कांची पर हमला करता है। कांची मैंने बताई थी ना, पल्लवों की राजधानी थी, तो कांची पर हमला किया और नंदवर्मन को जो है के साथ इसने गठबंधन कर लिया। तो दंती दुर्ग ने 573 ईस्वी में, सॉरी 553 ईस्वी में चालुक्य साम्राज्य के बाहरी क्षेत्र पर कब्जा किया, फिर साम्राज्य के मध्य क्षेत्र पर हमला किया, कीर्तिवर्मन को आसानी से हराया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम थी कि दंती दुर्ग निःसंतान ही मर गया। इस दंती दुर्ग का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, कोई उत्तराधिकारी जो है नहीं है। अब जब उत्तराधिकारी नहीं है तो कोई एक योग्य व्यक्ति ही इसका जो है सत्ता चलाएगा। तो याद रखिएगा, इसके कार्य, जब कोई भी राज्य का उत्तराधिकारी है तो परिवार में विवाद होना तय है। इनके चाचा थे कृष्णराज प्रथम, और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच जो है ऑटोमेटिक विवाद हुआ। लेकिन कृष्णराज प्रथम सबसे ज्यादा प्रभावी थे, सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे, इसलिए दंती दुर्ग के बाद सत्ता संभाली किसने? दंती दुर्ग के बाद सत्ता संभाली कृष्णराज प्रथम ने। तो दंती दुर्ग के बाद कौन शासन सत्ता संभालेगा? कृष्णराज प्रथम। कृष्णराज प्रथम के द्वारा सत्ता संभाली गई, और कृष्णराज प्रथम अपनी लोकप्रियता के कारण जो है 756 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है। 756 ईस्वी के बाद इसने राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार किया। इसने अपने साम्राज्य की सीमा महाराष्ट्र कर्नाटक से आगे बढ़ा करके महाराष्ट्र कर्नाटक के आगे आंध्र प्रदेश और वेंगी तक, अपना मध्य प्रदेश तक अपना वर्चस्व बनाया। कृष्णराज ने महाराष्ट्र पे तो पहले से कब्जा था, महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक पे बढ़ा, कर्नाटक में अपनी सीमाएं बढ़ाई, कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश में सीमाएं बढ़ाई, आंध्र प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश तक इसने कब्जा कर लिया। तो कृष्णराज प्रथम को आप मानते हैं कि इस वंश का सबसे जो है शक्तिशाली शासक है, और इसकी मृत्यु हो जाती है 772 ईस्वी में। इसके बाद इसका बेटा गोविंदा सिंहासन पर बैठता है, इसका बेटा गोविंदा सिंहासन पर बैठेगा। तो इसके बाद कृष्णराज, तो पल्लव राजवंश का संस्थापक है दंती दुर्ग दोस्त, उसके बाद कृष्णराज प्रथम सत्ता में आएगा। आगे इनके शासकों का नाम प्रॉपरली, यहां पे हर शासक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इनका नाम पूछ देता है कि राष्ट्रकूट राजवंश का जो है कौन सा शासक है। तो गोविंद, क्या नाम है? गोविंद या गोविंदा कहिए, जो भी आप कह लें। गोविंद सेकंड सत्ता में आता है कब? 774 ईस्वी में। ठीक है, 774, 772 मरने के बाद 774 में एक सत्ता संभालता है, पिता के गम में वियोग में था। इसे क्या कहा गया है? प्रभुता वर्ष कहा गया, प्रभुता वर्ष। गोविंद सेकंड को क्या कहा गया? प्रभुता वर्ष। प्रभुता वर्ष का मतलब जानते हैं? प्रभुता वर्ष का मतलब एक ऐसा राजा जो विपुल बारिश करवाने में सक्षम है, इसे विक्रम लोक कहा गया, एक वीर दिखने वाला व्यक्ति। इसके बाद इसका बेटा बैठता है ध्रुव।
ठीक, गोविंद तृतीय के बाद अगला राजा बनेगा कौन? ध्रुव। ध्रुव सत्ता संभालता है। ध्रुव सत्ता कब संभालेगा? इनके मरने के बाद। गोविंद द्वितीय की मृत्यु होती है 780 में। तो 780 से 793 तक ध्रुव जो है 780 से 793 तक सत्ता में रहता है, और इसने भी निरुपमा की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है अप्रमित, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत। काली वल्लभ मतलब युद्ध का शौकीन, धारा वर्षा भारी वर्षा कराने वाला, वल्लभ भाग्यशाली, ये ढेर सारी उपाधियां धारण करता है। इसके बाद अगला राजा बनेगा गोविंदा तृतीय। गोविंदा तृतीय, गोविंदा तृतीय इसका अगला राजा बनेगा। आप कह सकते हैं कि गोविंदा तृतीय जो है इस वंश के महान शासकों में वो भी एक था, सबसे महान शासक इसे भी माना गया। 793 से 814 तक शासन करेगा ये, 793 से 814 ईस्वी तक शासन करेगा। इसकी उपलब्धियां क्या रही? इसने भाई राष्ट्रकूट शासकों ने ढेर सारी उपाधियां धारण की है। इसने जगत तुंगा दुनिया का प्रमुख, कीर्ति नारायण प्रसिद्ध से संबंधित, ठीक है, जनबल्लभ लोगों का पसंदीदा, त्रिभुवन धवला तीन लोगों का स्वामी, प्रभुता वर्ष बहुत अधिक वर्षा करने वाला, ठीक है। तो इसकी भी सत्ता चलती रही, साम्राज्य विस्तार इसके समय भी हुआ। इसके बाद इस वंश का सबसे महान शासक आया अमोघ वर्ष प्रथम, ठीक है, कौन सा? अमोघ वर्ष प्रथम, इसे नोट करिएगा, अमोघ वर्ष प्रथम ये आपसे पूछा जाता है। अपने पिता की तरह खुद को जो है इसने राष्ट्रकूट राजाओं में सबसे महान साबित किया, ठीक है। ये भारत की धार्मिक परंपराओं में रुचि रखता था, सबसे बड़ी खासियत इसकी थी कि ये भारत की धार्मिक परंपराओं में अपना रुचि रखता था। अपना मैक्सिमम समय इसने जैन भिक्षुओं के साथ गुजारा, तो अमोघ वर्ष अपने जीवन में जैन धर्म को अपना लेता है, जैन धर्म के साथ अन्य धर्मों का भी जो है ये समर्थन करता है, लेकिन जैन धर्म के प्रति इसका लगाव अधिक हो जाता है। अपना अधिकतम समय कहां व्यतीत करता है? जैन धर्म के भिक्षुओं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता है, और इन्हीं के संगत में रहते रहते उससे प्रभावित होता है। इसके बाद कृष्ण तृतीय आते हैं, इंद्र तृतीय आते हैं, कृष्ण द्वितीय आते हैं, तमाम शासक बनेंगे। लेकिन बेसिकली इस वंश की सत्ता कैसे खत्म होती है, इस वंश की सत्ता और इसकी स्थापत्य कला आपके परीक्षा का हिस्सा बनता है, स्थापत्य कला बहुत जरूरी है, अभी डिस्कस करते हैं इसके स्थापत्य कला में। इसका जो सबसे अंतिम थोड़ा सा पावरफुल शासक है वो है कृष्ण तृतीय। गोविंदा नहीं, कृष्ण तृतीय याद रखिएगा। तो कृष्ण तृतीय इसके महान शासकों की कड़ी में अंतिम महान शासक है। इसकी मृत्यु के बाद जो है 966 ईस्वी में धीरे धीरे विरोधियों ने अपना सर उठाया, परमार राजाओं के द्वारा ये लूटे गए, मानखेत लूटा गया इनका, ठीक है। बाद में जो है खोटिया के खिलाफ एक जो है एकजुट हुए, वहां पर इनकी जो है कुटाई हुई। तो धीरे धीरे ये साम्राज्य सिमटता चला गया, और खैर चलता तो ये लंबा रहा, लेकिन बहुत छोटे से क्षेत्र में सिमट के साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन इसके द्वारा स्थापित स्थापत्य कला वो पूरी दुनिया में फेमस है, और आपके SSC में भी फेमस है। तो बात करते हैं हम लोग राष्ट्रकूट वंश की स्थापत्य कला, राष्ट्रकूट वंश की स्थापत्य कला। तो हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की स्थापत्य कला की। स्थापत्य इनका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सवाल बने हैं। तो राष्ट्रकूटों ने दक्कन में जो है जिस स्थापत्य विरासत की शुरुआत की वो अपने आप में विलक्षण है। तो सबसे पहले इन्होंने यहां पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इन्होंने क्या बनवाया? महाराष्ट्र में इनकी जो प्रसिद्ध उपलब्धि है वो है एलोरा, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह? एलोरा। एलोरा में इन्होंने क्या किया? एलोरा और साथ साथ महाराष्ट्र में एलोरा डेवलप किया, हाथी के शानदार रॉक कट गुफा मंदिर बनवाए, ठीक है। हाथी के रॉक कट मतलब पत्थर काट के, रॉक कट गुफा मंदिर, रॉक कट गुफा मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। क्या बनवाया? गुफा मंदिर का निर्माण कराया, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मंदिरों के माध्यम से कला और वास्तुकला के विकास का योगदान यहीं पर दिखाई देता है एलोरा में। छठी शताब्दी में लगभग 34 बौद्ध गुफाएं एलोरा में बनी, ठीक है। इसी एलोरा में 6th सेंचुरी में 34 बौद्ध गुफाएं बनवाई गई, 34 बौद्ध गुफाएं बनवाई गई, जो किसके द्वारा बनवाई जा रही है? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई। एलोरा में जैन मुनि का निवास भी माना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ बौद्ध गुफाओं का जीर्णोद्धार करवाया। राष्ट्रकूटों ने राकट मंदिर भी बनवाने का फैसला किया था।
अमोघवर्ष प्रथम, दैट्स इंपॉर्टेंट, जिसने जैन धर्म अपनाया था, एलोरा में 5 जैन गुफा मंदिर बनवाया था। नोट करिए इसे, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत जरूरी है। एसएससी बार बार इसे पूछता है। अमोघवर्ष प्रथम, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, अमोघवर्ष प्रथम दोस्त, कौन? अमोघवर्ष प्रथम, अमोघवर्ष प्रथम जो जैन मुनियों के संरक्षण में रहता था, जैन मुनियों के नजदीक रहता था, इसने जैन धर्म अपना भी लिया था। इसने एलोरा में 5 जैन गुफा मंदिर बनवाए। अमोघवर्ष प्रथम एलोरा में क्या बनवाता है? एलोरा में 5 जैन गुफा मंदिर, 5 जैन गुफा मंदिर बनवाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो और एलोरा में एकास्मिक कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों की सबसे बड़ी संरचना है। एलोरा में ही यहां पर एकास्म कैलाश मंदिर, मतलब एक पत्थर से एकास्म कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर, यह भी राष्ट्रकूटों की देन है। एलोरा में एकास्म कैलाश मंदिर, यह भी राष्ट्रकूटों की देन है। यह सबसे बेहतरीन मानी जाती है, ठीक है। इस मंदिर की दीवार की खासियत जान लीजिए। मंदिर की दीवारें रावण, शिव, पार्वती सहित तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सुशोभित हैं। तो यहां पर एक बार फिर मैं रिवीजन कराऊंगा आपका टोटल राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूट दक्कन क्षेत्र में 200 वर्ष तक शासन करते हैं, 10वीं सदी के अंत तक। राजधानी इनकी मानखेत या सोलापुर है, ठीक है। संस्थापक इसका दंतिवृग है, पल्लव राज जो है कांची, पल्लव राज कांची पर इन्होंने अटैक किया, दंतिदुर्ग ने इसे जीता, ठीक है। इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कृष्णराज प्रथम इसके बाद सत्ता में आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तक इस क्षेत्र को जीत लेते हैं। उसके बाद गोविंद द्वितीय सत्ता में आते हैं, 774 में गद्दी में बैठते हैं, ठीक है। प्रभुता वर्ष की उपाधि धारण करते हैं, मतलब ढेर सारी वर्षा इनके शासनकाल में होती रही है। इसके बाद ध्रुव सत्ता में आते हैं, गोविंदा सत्ता में आते हैं, और इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है अमोघवर्ष प्रथम। 714 से सत्ता में बैठता है, 778 तक सत्ता में रहता है, लेकिन जैन लोगों के साथ रहते रहते ये धीरे धीरे जैन संप्रदाय का हो जाता है, जैन धर्म अपना लेता है, और फिर जैन धर्म से संबंधित स्थापत्य कला का भी निर्माण करता है। ये देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापत्य कला, राष्ट्रकूट वंश की स्थापत्य कला डेवलप होती है दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एलोरा क्षेत्र इसके लिए फेमस है। हाथी के राकट गुफा मंदिर यहां देखने को मिले, ठीक है। 6th सेंचुरी, 6वीं शताब्दी के 34 बौद्ध गुफाएं देखने को मिली, और साथ साथ यहां पर एकास्म कैलाश मंदिर, एकास्म एक पत्थर को काट करके पूरा पूरा मंदिर डेवलप किया गया है एलोरा में। साथ साथ ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अमोघवर्ष प्रथम ने एलोरा में 5 जैन गुफा मंदिर बनवाए हैं। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा, इसलिए बी अलर्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पांड्य साम्राज्य के बारे में। पांड्य साम्राज्य के बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, जितना बहुत इंपॉर्टेंट है उतना ही। सबसे पहले पांड्यों का क्षेत्र कौन सा है? पांड्यों का क्षेत्र आपको तमिलनाडु का क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। पांड्यों का जो क्षेत्र है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये वाला क्षेत्र। ये पांड्य हैं, ठीक है, पांड्य हैं, ये कहां पर फैले हुए हैं? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इनका क्षेत्र है, ठीक। अब पांड्य अगर तमिलनाडु में हैं, तो इन्होंने अपनी जो है अपनी सत्ता का केंद्र क्या बनाया? तो इन्होंने पांड्य की बात करें, पांड्य जो है कहां पर है? तमिलनाडु में। नोट करिए, तमिलनाडु में इनकी सत्ता है, और इन्होंने मदुरई, कहां? मदुरई को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। पहला प्रश्न कि इस वंश का संस्थापक कौन है? तो अरिकेसरी परांकुश संस्थापक का नाम बड़ा खतरनाक है, नोट करिए इसे। संस्थापक कौन है? संस्थापक है अरिकेसरी, अरिकेसरी परांकुश, अरिकेसरी परांकुश, अरिकेसरी परांकुश इसका संस्थापक है। कुछ लोग और भी एक लाइन जोड़ देते हैं, मार बर्मन, आप भी जोड़ना चाहे तो जोड़ लें। अरिकेसरी परांकुश मार बर्मन, आप भी जोड़ना चाहे तो जोड़ लें, मार बर्मन, ठीक है, मार बर्मन इसका संस्थापक है। और इन्होंने, पांड्यों ने मदुरई से अपनी सत्ता स्थापित की। पांड्य राज्य बेसिकली भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में है। कहां पे है? दक्षिण में है, दक्षिण के पूर्व में है। तो आपसे पूछा जाता है दक्षिण में किस भाग में? तो दक्षिण के पूर्वी भाग में ये सत्ता कर, ये स्थापित कर रही है, क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। कोरिकई इनकी पहले प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में इन्होंने जो है थरनापर्णी राजधानी बनाई। यहां से एक प्रश्न बड़ा जो है
कहते हैं कुटिल प्रश्न बनता है, इस वंश का प्रतीक क्या है? इस वंश का प्रतीक है दोस्त मछली। क्या है? मछली इस वंश का प्रतीक चिन्ह है। तो दक्षिण भारत में हर राज्य का अपना प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, ठीक है। और इन्होंने पांड्यों की बात करें तो इन्होंने तमिल संगमों को संरक्षण किया और संगम कविताओं का संकलन करवाया। तमिल संगम तमिल साहित्य से जुड़ा हुआ है। तमिल संगम का संरक्षण किया और साथ ही साथ तमिल साहित्य में योगदान दिया। तमिल साहित्य को डेवलप करने में, तमिल साहित्य में इन्होंने अपना योगदान दिया है, प्रॉपर योगदान है तमिल साहित्य में। तो संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राजधानी जो है, पांड्य जो राज्य था वो प्रॉपरली इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले सर्वप्रथम किसने पांड्यों का उल्लेख किया है, किसने पांड्य सत्ता का उल्लेख किया, पांड्य का उल्लेख किया है? तो वो उल्लेख करने वाला दोस्त है मेगस्थनीज। चलिए जल्दी से बता दीजिए, मेगस्थनीज था कौन? ये मेगस्थनीज वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक राजदूत की हैसियत से था, एक दूत की हैसियत था। तो पांड्यों का पहला उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। इसे बताया है कि पांड्य किसके लिए प्रसिद्ध थे, पांड्यों के बारे में बताया है कि पांड्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे। पांड्य किसके लिए प्रसिद्ध थे? पांड्य राज्य में मोती प्रॉपर मात्रा में पाया जाता था, तो पांड्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे, सबसे बड़ी बात। इस समाज के बारे में कहा गया है कि पांड्य समाज में विधवा स्त्रियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। पांड्य साम्राज्य में जो है विधवा स्त्रियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। विधवा के साथ बुरा बर्ताव, ये सवाल बना है, विधवा के साथ जो है ये बुरा बर्ताव करते थे, मानते थे, इनका मानना था कि किसी स्त्री के पति का मरना उस स्त्री का दुर्भाग्य होता है, क्लियर। और इस समाज में ब्राह्मणों का काफी जो है वर्चस्व रहा है, और जब भी किसी एक जाति या किसी एक धर्म विशेष का वर्चस्व होता है तो इस प्रकार की कुरीतियां बनना प्रॉपरली संभव होती हैं। इस राज्य में वैदिक यज्ञ किए जाते थे। इस राज्य में पांड्य क्या, कौन सा यज्ञ करते थे? पांड्य जो है ये वैदिक यज्ञ करते थे। पांड्य वैदिक यज्ञ करते थे और इन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, ठीक है। कालभ्रस नाम की एक जनजाति है जो इस पांड्य राज्य पर अटैक करती है और पांड्यों को काफी नुकसान पहुंचाती है। एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि इस वंश का अंतिम शासक, तो इस वंश का अंतिम शासक है नल्लिवकोंडम, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका अंतिम शासक है दोस्त नल्लिवकोंडम, ठीक है, नल्लिवकोंडम इसका अंतिम शासक है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, पांड्य तमिलनाडु और मदुरई के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। इसका संस्थापक है अरिकेशरी परांकुश मारवर्मन। इसका प्रतीक चिन्ह है मछली। इस पूरे साम्राज्य का तमिल संगम का संरक्षण किया, ठीक है। तमिल संगम जैसे बौद्ध संगम होता था, बौद्ध संगीति होती थी, उसी तरह तमिल संगम होता था, उसका संग जो है इन्होंने दिया प्रोडक्शन। तमिल साहित्य के योगदान में बहुत काम किया। पांड्य वैदिक जो है यज्ञ किया करते थे, वैदिक यज्ञ का समर्थन किया करते थे, और साथ साथ इसने सबसे पहले पांड्यों का वर्णन मेगस्थनीज ने किया है। पांड्य राज्य में मोती सबसे ज्यादा पाए जाते थे, यह बात मेगस्थनीज ने ही बताई है, और विधवाओं के साथ ये बुरा बर्ताव करते थे। ये भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तारित थे। तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। SSC अगर क्रैक करना है, SSC में साउथ इंडिया की बैंड बजानी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देख के जाइएगा, और एक बार नहीं कई बार देख के जाइए, क्योंकि ये नाम, ये बड़े खतरनाक नाम है। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के छोटे छोटे वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।